चलो भाई, भाइयों को बाय बाय बोल देते हैं। बाय बाय राम, मिलते हैं भाई, कभी मिलेंगे। नहीं भाई, पक्का रुकता, टाइम नहीं है पक्का। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। क्या हाल है सभी के? आई होप बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा मस्त हूँ यार। आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से जोशीमठ से कल्पेश्वर की तरफ। वैसे तो मैं सीधा घर ही जा रहा था, आप लोगों को मैंने बताया था, बट अभी कल्पेश्वर जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा यार, आए तो अपने 3 केदार तो कंप्लीट हो ही जाएंगे। और कल्पेश्वर का ट्रैक बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा मतलब आसान ट्रैक है कल्पेश्वर का 5 केदारों में से। और रुद्रनाथ और तुम थोड़े मुश्किल ट्रैक है भाई, तुंगनाथ अपना हो चुका है, रुद्रनाथ फिर कभी देखते हैं। अभी यहाँ से निकलते हैं, रास्ते में पड़े 10 किलोमीटर बस हमें अंदर जाना पड़ेगा कल्पेश्वर के लिए। और फिर हमने सोचा रास्ते में पड़ेगा तो निकलते हुए दर्शन भी हो जाएंगे, हमारा 3 केदार भी हो जाएंगे, तो निकलते हैं अभी अपन। बाकी विकास अभी सामान लगा रहा है हमारा, पैक कर दे भाई जल्दी से सब। तो हम लोग निकल चुके हैं भाई और चल रहे हैं अभी कल्पेश्वर की तरफ। कल्पेश्वर वैसे यहाँ से कितने किलोमीटर है कल्पेश्वर? 27 किलोमीटर है बस, 10 किलोमीटर हमें अंदर जाना पड़ेगा भाई। और कोई नहीं यार, 10 किलोमीटर आना 10 किलोमीटर जाना, बाकी टारगेट तो हमारा ऋषिकेश तक का है कि हम वहाँ तक पहुँच ही जाएं आज। बाकी देखते हैं भाई समय के हिसाब से, रात तक पहले कल्पेश्वर करके देखते हैं रात तक कहाँ तक जा पाए। और विकास भी अभी अपने साथ ही है ऋषिकेश तक, बस बाकी ऋषिकेश से प्लान चेंज हो सकता है विकास का, कुछ पता नहीं है किधर जाए। वैसे तो ये वाराणसी वगैरह जाने की कह रहा है, वाराणसी नेपाल नेपाल वगैरह इसका है, और नीम करौली। अगर इसको नीम करौली जाना पड़ेगा तो भाई इसको ऋषिकेश ही उतरना पड़ेगा, वरना बाकी अगर दिल्ली जाएगा तो भाई को दिल्ली ले जाएंगे साथ में। भाई इधर हम दोनों लोगों के बैग निकल चुके थे, काफ़ी ज़्यादा ढीले हो चुके हैं, बांध रहे हैं दोनों को। भाई ने तो बांध लिया, हम लोग बांध रहे हैं अभी। भाई आप जो ये देख रहे हो ना, इसको हल्का सा भी टच करने पे ना बहुत तेज़ खुजली मचती है। इसका नाम है बिच्छू घास, पर यहाँ के जो उत्तराखंडी लोग हैं ना उनसे, वो तो इनको भाई बना के खाते हैं भाई, यहाँ पे उनकी सब्जियाँ बनाते हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम जैसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा खुजली मचने लग जाती है, 1 मिनट तक भी सहन नहीं होगा भाई। और इसका इलाज है ना, भांग रगड़ के लगानी पड़ती है शरीर पे, तब जाके खुजली मिटती है भाई इसकी। एक बार टच कर दे तू किसको? नहीं भाई, घास को नहीं, मुंबई जाने तो खुजवाते बैठूंगा मैं। भाई बहुत बेकार होती है, नहीं लगाना कभी शरीर पे। अच्छा भाई, हाँ, क्योंकि ज्यादा खुजा तूने टच किया है वैसे कभी? हाँ, तूने टच किया है? टच नहीं किया, बट जिसने टच किया उसको देखा है मैंने, बहुत खुजाता है, बहुत बुरी तरह। मेडिकल जाना पड़ा था उसको। ओ भाई साहब, क्योंकि वो फिर स्किन एलर्जी जैसे हो जाता ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करे। और भाई कल्पेश्वर का रोड कुछ इस तरीके का स्ट्रीम रोड है पूरा, बहुत नहीं काफी ज्यादा गड्ढे हैं, ऑफ रोडिंग है थोड़ा, सीधा नीचे भाई कल्पेश्वर में पहुंचे के सीधा कल्पेश्वर की नदी में। भाई ये देखो, कल्पेश्वर जाने के लिए रोड बहुत ज्यादा खतरनाक है, और प्लस हमारे पास तो स्कूटी देख रहे हो कैसे उठ रहे हो भाई। ओ भाई, तो उनकी कैसी गाड़ी चढ़ी? ओहो, पता नहीं उन लोगों की कैसे चढ़ा के ले गए हो भाई, देख रहे हो पूरा एक्सट्रीम रोड है, खतरनाक भाई। फुल्ली एडवेंचर है भाई, अरे 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 भाई, काफी ज्यादा खतरनाक है। क्या हो गया? हॉर्न दे रहे थे क्या? नहीं, ये मेरा विनी तो नहीं मरी इधर, खराब रास्ता है भाई। भाई की बाइक भी देख रहे हो सही से नहीं चढ़ पा रही है, पूरी खतरनाक तरीके से वीली मार रही है भाई, बैग गिरा भाई, बैग काफी ज्यादा लोडेड है ना चक्कर में। एक तो रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब है भाई, चक्कर ही है, बैग साइड में लगाना था ये, बैग
है ना, इसलिए काफी ज्यादा धीरे धीरे चल रहे हैं, रोड खराब है। हमारी स्पीड 10-12 की भी नहीं है। ओ ओ इनका तो उतरना पड़ेगा मेरे ख्याल से। आ गए, चल 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 चल। भाई सही बताओ ना, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। बिल्कुल सीधी चढ़ाई है खड़ी, और उनकी बाइक तो आगे से विली मार रही है, काफ़ी ज़्यादा ऐसे उठ जा रही है अपने आप ही बार बार, कि उनका वजन पीछे है बैग का। बेशक वो दो लोग बैठे हों, फिर भी यार पता नहीं क्यों उठ रही है बाइक, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है ना, बिल्कुल सीधी खड़ी चढ़ाई है। बट वैसे कोई नहीं, कल्पेश्वर बस आने वाले हैं, यहाँ से 11 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर बता रहे आधा घंटा। अब देख लो 11 किलोमीटर पहाड़ों में आधा घंटा, भाई चलते हैं यार, रास्ते की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही है। वो भाई मुझे लग रहा है वहाँ जाने ऐसा लग रहा है हम लोग लद्दाख में है, स्पीति वैली में खारदुंगला पास कर रहे हैं भाई। ओ भाई ओ भाई, उनका कैसे यहाँ से दो गाड़ियाँ मुश्किल से चलेगी भाई। हाँ एक बारी में खारदुंगला पास ऐसा ना, पता है जनसकार में ऐसा रोड पूरा खतरनाक, बहुत मतलब रोड ही नहीं है एक तरह से, बहुत ही खतरनाक है पूरा, टूटा फूटा बिल्कुल। जाना पड़ेगा, वेट करो भाई, एक बारी में एक निकलती है भाई। मुझे लग रहा है मुझे ऊपर तक जाना पड़ता है। अंदर ये हाथ कर रहे हो ना, कर रहे हो गाड़ी वाले? हाँ मैंने देखा जी। भाई इतने लोग कैसे दिख रहे हैं भाई, पता नहीं काम वाम चल रहा है। तो वो गाड़ी देखो भाई, तुम आगे क्या चल रहा है। भाई खतरनाक फंस गई बाइक, निकल ही नहीं रही है। कहाँ आ गए भाई हम? तो कटा लूंगा जो ये कट्टा है ना आगे रखा हुआ, जो आप देख रहे हो इसमें से पानी निकल रहा है, और विकास की पूरी पैंट में रख गया। क्या हो गया विकास? पैंट पूरा गीला हो गया यार। कैसे क्या है वैसे? हम लोग जब कैंपिंग गए थे ना, कांदा टमाटर ऐसे ही रख रहे हैं उसकी चटनी में, यहाँ पे पूरे कांदे में लग रही है। तो हम लोग 7-8 दिन वो उसको ऐसे ही पड़े, कांदा और प्याज, सॉरी प्याज और टमाटा टमाटो निकालना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है मेरे पैन में। कल ही नहीं पहनी थी? हाँ कल ही पहना था मैंने, एक तो अच्छा खासा निकाला था। अबे सीढ़ी चढ़ानी है क्या भाई? चढ़ा दूँ चढ़ा दूँ, बताइए तुमने। नहीं नहीं यार, ये है भाई यहाँ का लियारी, छोटा सा गांव, जो कि ज़्यादा घर नहीं है भाई यहाँ पे, मुश्किल से 2-4 घर होंगे, नीचे के साइड तो मतलब घर ही नहीं थे बिल्कुल भी। डेवलपमेंट हो रही है भाई यहाँ पे धीरे धीरे, देखा था रोड वगैरह सब बन रहा है। ओ माय गॉड, ये क्या सीन है भाई यहाँ पे, आराम से निकालना पड़ेगा तुझे बहुत ही धीरे धीरे। किलोमीटर और भाई ये चेकआउट करो आप, यहाँ पे पूरी खेती कर रखी है। कल्पेश्वर बहुत ही बढ़िया जगह है भाई, बस थोड़ा सा आपको नीचे से एक्सट्रीम रोड पार करके आना पड़ेगा, तब जाके ऐसी ब्यूटीफुल ये जगह देखने को मिलेगी आप लोगों को। भाई ये देखो क्या करने चढ़ गया है, इसको यहाँ पे एक जहरीला फल दिखाए। अरे अरे आराम से आराम से आराम से। पता नहीं क्या दिख गया इसको, पहाड़ी फ्रूट है ये कुछ। कौन सा फल है दिखाइए जरा, ये क्या है भाई? सैतूत जैसा है ये तो, है ना? अपने हमारे यहाँ जो है ना ब्लैक रहता है ये सैतूत,
सैतूत सब बोलते, सैतूत बोलते हैं भाई हमारे यहाँ तो इसको, बट उत्तराखंड में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसको? ये कौन सा फल है भाई? क्या ऐसे लू, मतलब इसको खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जहर वहर तो नहीं इसके अंदर? ऐसे लू है तो भाई बता रहे यार ऐसे लू बोलते हैं इसको। मीठा रहता है कि कड़वा रहता है? हैं गुलिया, वो क्या होता है मतलब मीठा रहता है खट्टा रहता है? मीठा। अच्छा खाया विकास? सही बात है, बहुत खाया हम लोगों ने यही। मैं भी खा के देखूं क्या। हाँ यार वैसे टेस्टी तो है, मतलब ना जैसे हमारे यहाँ सैतूत है ना वैसे ही लग रहा है भाई पूरा, बहुत ही अच्छा है, मीठा है भाई काफी ज्यादा। नहीं देखो विकास तो तोड़ तोड़ के खा रहे हैं यहाँ से, हमने कल बहुत खाए थे यहाँ पे। हाँ लगे। अच्छा ये पता नहीं ये कौन सा फल है यार, वो नहीं खाने आते। अच्छा ये जहर है क्या? काटे भाई काफी ज्यादा बड़े लग रहे हैं, मीठा है यार। हाँ। पर ये वाला खट्टा था यार, ओए मैंने ये वाला खाया ना खट्टा था। हाँ। ये हवा चेक कर रहा है भाई, चलें। ये चलती है पहाड़ में गाड़ी भाई, वैसे ना लोग हमें देख के चौंक जाते हैं कि ये लोग स्कूटी कैसे लेके आ गए पहाड़ों के अंदर, मतलब इतनी खतरनाक जगह पे। भाई वैसे ना काफी ज्यादा खूबसूरत है ये गांव, वैसे यहाँ पे रहने का ना अलग ही मजा है। भैया ये कौन सा गांव है? ये गांव बिल्कुल मालूम नहीं। अच्छा आप नए हो क्या? कोई नहीं आया, भाई भटक गए। लेकिन भाई सच्चे बता रहा हूँ मैं, काफी ज्यादा खूबसूरत है गांव, अलग ही है भाई, मुझे लगता है ना यहाँ पे एक दिन रहना चाहिए। बट यार क्या बताऊं, हाजी बैठो खाना खा लो, आएंगे नहीं रिटर्न आएंगे अभी, यहाँ के लोकल सब्जी है फसल। हाँ हाँ खाने आ रहे हम, बस थोड़ा लिंगड़े है, लिंगड़ा है, लिंगड़ा बना रखा है, हम आ रहे हैं थोड़े दर्शन करके आ जाते। पक्का? हाँ यहीं से आएंगे, आगे से तो रास्ता नहीं है ना। हाँ यहीं से आना पड़ता है, आएंगे। हमारा एक जो आगे वाला बंदा गया पाजी, वो लिंगड़ा बहुत पसंद है उनको। हाँ उनको बोल रहे यहाँ पर ना। हाँ हाँ लेके आता, कोई ना कोई लेके आता। बाकी भाई आपको मैं कह रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यार यहाँ पर गाँव ना सच्ची में, वैसे एक दिन स्पेंड करना चाहिए मेरे हिसाब से, जैसी ये जगह है ना उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक दिन जरूर रुकना चाहिए भाई। मेरे पास लिटरली अगर टाइम होता ना मैं पक्का यहाँ पे एक दिन यार रुक के जाता, बट क्या करूँ यहाँ पे टेंट लगाने का ना अलग ही मजा है, यहाँ पे लोग कोई भी मना भी नहीं करेगा, मतलब एकदम बिल्कुल शांति सी यार। चल बैग गंदे हो जाएंगे तेरे, गीला हो जाएगा यार, आराम से चलना चल। उतर उतर उतरो, रुक जा। बैठूं? नहीं ना पागल हो गया। ओए भाई ओए, नहीं 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 जाएगा। भाई साहब हाँ भाई पूरे करंट की तार लगा रखी है, जो कि फुल में कोई हाथ ना मारे, कोई तोड़ ना सके। देखो कितने बड़ी फ्लावर वगैरह सब लगा रखे हैं। भाई हम लोग ना नीचे से जा रहे थे और भाई ऊपर चढ़ गए, फिर हमने सोचा यार ऊपर से होगा, फिर हम बाद में सोचने लगे ऊपर लिखा हुआ था पैदल यात्री पुल, और ये नीचे ले जाने देते। चल 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 लगा देंगे, क्या दिक्कत है, ये ना यहाँ लगा दे, यही खड़ी करके चलते हैं। ओ भाई फाइनली भाई 14 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करने के बाद, इतना एक्सट्रीम रोड पार करने के बाद बहुत ही खूबसूरत जगह पे आ चुके हैं, महादेव कल्पेश्वर के मंदिर, मतलब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह पे आ चुके हैं अपने, काफी ज्यादा बढ़िया जगह है भाई, समझे देख रहे हो कितनी ज्यादा बढ़िया प्लेस है। और उधर साइड है कल्पेश्वर महादेव जी का मंदिर,
और बाकी विकास से पूछते हैं, विकास कैसा लगा भाई? मजा आ गया, वर्थ इट था बेसिकली। अच्छा, ये नज़ारा मिलना वर्थ इट था, प्लस हमारा पंच केदार में से ये दूसरा केदार है, तीसरा केदार है, तीसरा केदार है, तो बाकी वो बाकी बाद में करेंगे। तो कैसी है वैसे जगह? भाई जगह एक वर्थ इट था, 27 किलोमीटर आना, इतना ट्रबल करके आना यहाँ पे, अच्छा लगा बहुत। लेकिन जोशी मठ से 27 किलोमीटर है, वैसे जो ट्रैक है 14 किलोमीटर का है। हाँ, अंदर से जो ट्रैक है, हाँ, जोशी मठ से बाहर तक का ही सिर्फ जो रास्ता है प्लेन, वो 10 किलोमीटर का। क्या मैं बोल रहा, जोशी मठ से जो रास्ता है वो 10 किलोमीटर प्लेन है, बाकी का 14 से 15 किलोमीटर एकदम बेकार है। बस आने मजा यहाँ पे, इसकी बात सुन के नहीं मजाक से हट के भाई, जगह बहुत ब्यूटीफुल है, सिर्फ रास्ता खराब है। हाँ। बाकी पंच केदार में से एक केदार ये भी है, कल्पेश्वर महादेव। अगर आप ट्रैक नहीं कर सकते हो तो बिल्कुल छोटा सा ट्रैक है, आप आसानी से कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। चलो चलते हैं भाई अभी। भाई हमने किसी के वीडियो में देखा था, बहुत तारीफ कर रहा था रोड की। भाई हमने रोड ही नहीं दिखाया था, बहुत अच्छी रोड है। अब हमें समझ में आया तारीफ क्या करना चाह रहा था। पर्वत का मैं राड़ी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की, तू भोला पर्वत का। और बाकी जब आप कल्पेश्वर आओगे तो थोड़ा बहुत सीढ़ियों का ट्रैक मिलेगा, कम से कम 50-60 सीढ़ियाँ चढ़ के सामने की तरफ आपको ऊपर मंदिर दिख जाएगा। बाकी चलते हैं मंदिर की तरफ। बाकी जो ये मंदिर है ना, 2200 मीटर की ऊंचाई पर है। अभी अंदर आ चुके हैं हम लोग। हाय बच्चों, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जो कल्पेश्वर है पंच केदार में से ये पांचवा केदार रहता है, पांचवे नंबर पे आता है ये कल्पेश्वर। जय हो नंदी महाराज। सो हमारे काफ़ी बढ़िया दर्शन हो चुके हैं, और जो पुजारी जी हैं तो मंदिर के अंदर ही, उन्हीं से मैंने थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया था ताकि वो अपने मुंह से ही सब कुछ बताएं मंदिर के बारे में, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा और अच्छी तरीके बता भी देंगे वो। ये पंच केदारों में से पांचवा केदार कल्पनाथ, कल्पेश्वर भी कहते हैं, कल्पना भी, कल्पों के नाथ, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती कब। और पाँच केदार में पाँचवा केदार, ये सब जब यहाँ पर जटा की पूजा की जाती है। मैं थोड़ा हेल्प करता हूँ, पुजारी जी ने जो बताया उसके बारे में, ये बेसिकली फिफ्थ केदार है जो, और जो जटाओं से गंगा बहती है, कल्प गंगा। अच्छा, कल्प गंगा, कल्प गंगा बहती है ये जटाओं से, और जो जटा का पानी जो है जो पीछे कुंड है। अच्छा, उस कुंड में, अच्छा पीछे जटाओं का पानी कुंड में आता है। अच्छा, पीछे एक कुंड भी है जिस मंदिर के, जहाँ पे कुंड में पानी आता है जटाओं से। ये बेसिकली फिफ्थ केदार है, और कल्पेश्वर केदार इस जगह को बुलाया जाता है। ये एक यहाँ केदार में आपके, जैसे आपको पता चले पांचों केदार में ना किसी एक अंग की पूजा की जाती है महादेव जी की, केदारनाथ में पृष्ठभाग की पूजा की जाती है, और यहाँ पे जटाओं की पूजा की जाती है। तो आप जब यहाँ आएंगे पांच केदार करने के लिए, यहाँ जरूर आइएगा, और ये लास्ट केदार में से एक है। ये केदार जो है 12 महीने खुला है, ये एक लौटा केदार है, वो जो 12 महीने खुला रहता है, बाकी केदार बंद हो जाते हैं, कुंभनाथ भी बंद हो जाता है, रुद्रनाथ, मग्नेश्वर और केदारनाथ सब बंद हो जाते हैं। यहाँ ट्रैक बहुत छोटा है और पूरी यहाँ तक रोड आती है, तो इजीली खुला रहता है। हाँ, पहले ही से बाकी सब में जो ट्रैक है काम ऊँचाई पर ना, काफ़ी अच्छी निर्देशन है, पुजारी जी ने काफ़ी अच्छी चीज़ बताया भी हमें। चलो भैया निकलते हैं बाहर की तरफ। ये पानी जो है कि कभी नहीं सूखा पड़ता, कभी सूखता नहीं। तो भाई ये वो जगह है जहाँ पे महादेव जी की जटाओं से पानी आ रहा है, देख रहे हो कितना भी मतलब हो जाए पानी की कमी, बट ये कभी सूखा नहीं पड़ता है। ये देखो अभी भी पानी आपको देखने को मिलेगा, ये महादेव की जटाओं से आ रहा है। चीज़ नोटिस करिए, मैंने भी जस्ट अभी बाहर भी एक नलके से पानी पिया था, वहाँ के पानी का टेस्ट और यहाँ के पानी का टेस्ट में फ़र्क है। ये पानी काफ़ी मीठा है भाई, सच्ची। आप जब आओगे तो उनके जटाओं का जल, मतलब जो एक कुंड का जल है, ज़रूर पी के जाना भाई। मीठा है, देखो पी के, वो वहाँ का नलका पी के, बगल में ही नलका है, अलग है पूरा। बाकी भाई हम लोगों ने तो बढ़िया तरीके से दर्शन कर लिए हैं, और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। और भाई
अभी भागना पड़ रहा है क्योंकि बैग के ऊपर कवर नहीं रखा, बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज आ चुकी है। भाई ये देखो जादू आ रहा है, इसका ये जो पोंचो है ना भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये देखो भाई बारिश रुक चुकी है थोड़ी देर के लिए, अब निकलते हैं यार क्योंकि फिर ऋषिकेश नहीं पहुंच पाएंगे अगर हम भाई। बेसिकली क्या है, थोड़ी देर के लिए बारिश तो रुक चुकी है बट ये नहीं पता कितनी देर के लिए रुकी है, बट हम लोग तो निकल चुके हैं क्योंकि भाई ऋषिकेश पहुंचना है और अभी 3 बज चुके हैं यार, देखते हैं मुश्किल है तो अगर ऋषिकेश पहुंचना बट कोशिश करेंगे पहुंच जाए भाई। जब हम लोग नीचे से आ रहे थे हमें लग रहा था कि भाई बहुत ज्यादा धूप रहेगी गर्मी रहेगी, हम लोग टी शर्ट में आए थे, ऊपर आते मौसम चेंज। और भाई क्या होता है कल्पेश्वर में आपको पता तो 5 केदार में 5वां केदार है ये, क्योंकि महादेव की जटाओं में से पानी निकलता है बेसिकली भाई। बेसिकली यहाँ पे जटाओं को पूजा जाता है। हाँ जटाओं की पूजा की जाती है भाई, महादेव की जटाओं को पूजा किया जाता है यहाँ पे और ये 12 महीने खुले रहते हैं मंदिर। जैसे अपना रुद्रनाथ मध महेश्वर ये तो ट्रैक बंद हो जाते हैं 6 महीने बाद, बट ये जो ट्रैक है 5वां केदार ये 12 महीने पूरा खुला रहता है। लो भाई धन्नो फंस गए भाई, लो भाई धन्नो फंस गए भाई जी। ओ ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, भाई निकल जाइए आराम, हमारे निकल जाइए भाई, तो हम तो खेत में रहा मैं उतना बस स्लो चला रहा इधर। भाई आ चुके हैं अपने मेन हाईवे पे, वहाँ से ख़त्म करके भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल ट्रैक था। तो भाई अभी हम लोग यहाँ रुके थे खाना खाने के लिए और अभी खाना खा लिया है, वापस निकल रहे हैं हम और भाई देखते अभी कितने बज जाएंगे जाते जाते, वैसे तो अभी 6:30 या 7 का टाइम हो रहा है। कोशिश करेंगे देवप्रयाग स्टे करने के लिए, ऋषिकेश तो मुश्किल ही पहुँच पाएंगे, देवप्रयाग यहाँ से 150 किलोमीटर होगा मुश्किल से, तो वहाँ स्टे करने का सोचेंगे। पहुँचते पहुँचते हमें देवप्रयाग भी 10 बज जाएंगे और मौसम भी अभी बिगड़ चुका है, ऊपर की तरफ बारिश हो रही थी नीचे तो मौसम ठीक था, पता लगे फिर बारिश हो जाए। सो भाई अभी बज रहे हैं रात के 10 और इस वक्त अभी हम अभी रुके हैं जस्ट क्योंकि भैया का फ़ोन आया था कि यहाँ पे एक होटल है, यहाँ पे थोड़ा रुकते चाय वगैरह पीते हैं और फिर निकलेंगे भाई अभी आगे की तरफ। हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है ना, बस विकास से बोलो भाई कैसा लग रहा है विकास भाई? बहुत ज़्यादा थक गए अभी हम लोगों ने, लगभग 200 किलोमीटर खींच दिया, 180 तक खींच दिया, 180 किलोमीटर तक लगातार खींच दिया बिना नॉन स्टॉप, और लगभग 60 से 70 बाकी है वो देखेंगे। और बाकी ऋषिकेश यहाँ से भाई कम से कम भी ना ऋषिकेश अप्रोक्स होगा 100 किलोमीटर, ऋषिकेश यहाँ से 100 किलोमीटर है और देवप्रयाग है यहाँ से भाई देवप्रयाग 50 किलोमीटर है। अब सोच रहे देवप्रयाग रुके या फिर सीधा ऋषिकेश रुके, टाइम पे डिपेंड करेगा, अभी तो कुछ पता नहीं। वैसे 5-10 मिनट यहाँ पे वेट करेंगे कि थोड़ा गाड़ी भी ठंडी हो जाएगी, उसको भी रेस्ट मिल जाएगा। चलते हैं अंदर चाय या पानी पीते हैं, चाय पानी पीते हैं और फिर निकलते हैं।